खबर मुंगावली से। खबर भारत वर्ष की खबर का हुआ असर, नगर में व्याप्त आवारा मवेशी से लोगों को मिलेगा छुटकारा। आज से ठीक होगी सड़क लाइट और शहर में स्थित चलित जल फुवारे। निरंतर लोगों के प्रश्न आए कि क्यों नगर परिषद ठोस कार्रवाई नहीं करती इन आवारा मवेशी को लेकर। आज इन सभी मुद्दों को लेकर नेतू नरेश ग्वाल से भी जब हमने शहर के मुद्दों से अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए और कहा कि आज रात्रि से ही आवारा कुत्तों को पकड़ने की टीम नगर में जाएगी और उनको पकड़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, जिससे लोग रात्रि में निकलने में संकोच ना करें। अभी गणेश उत्सव के साथ साथ पर्युषण पर्व है, जिसमें लोग सुबह से निकलते हैं और जिनको हर तरह से कुत्तों का खतरा रहता है। इसके बाद निरंतर पितृ के दिवस, नवरात्रि जैसे बड़े त्यौहार हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग घर से निकलते हैं, लेकिन रोड और लाइट की समस्या बनी हुई है। इसके लिए स्वयं नरेश ग्वाल ने ठेकेदार से बात की और सख्त आदेश दिया कि ये मूलभूत समस्या है जो सामाजिक हित से जुड़ी है, इनको शीघ्र निपटारा किया जाए। नरेश ग्वाल ने बताया कि विसर्जन कुंड अभी हमारे परिषद के हैंडओवर नहीं हुआ है, हो सकता है इस बार और मूर्ति विसर्जन भुजरिया तालाब में कराया जाए। इसके लिए दोनों तालाबों की सफाई का आदेश भी दिया गया है। नरेश जी, पिछले कई दिनों से नगर में व्याप्त है जैसे कि आवारा मवेशी के साथ साथ रोड और गणेश जी का उत्सव है, इसके बाद पितृ हैं, इसके बाद नवरात्रि है। लगभग हिंदुओं के 90% परिवार घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या व्यवस्था नगर परिषद की तरफ से की गई है? नगर परिषद के जो सभी सफाई कर्मचारी हैं, मैंने सभी को बुलाया था, उनकी मीटिंग ली है और सबको निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। और अभी गणेश चतुर्थी हैं, आज व्रत चल रहे हैं जैन समाज के, तो वहाँ सफाई की उचित व्यवस्था हो, कहीं कोई गंदगी ना हो, कहीं कोई जल भराव या गंदगी समस्या ना हो, इसके लिए सभी को निर्देश दिए हैं। एवं लाइट की व्यवस्था के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्याप्त ऊर्जा की व्यवस्था हो। अभी नगर परिषद में पूर्व में कुछ लाइटें खराब पड़ी हैं जिनका मैंने निरीक्षण पूर्व में किया है, उसके लिए मैं CMO से बोलकर अधिकारियों को इंजीनियर को बुलाया है जिससे वो लाइटों को दुरुस्त किया जा सके और जल्द से जल्द जिन स्थानों पर झांकियां लगी हैं या जिन स्थानों पर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम अभी आयोजित हो रहे हैं तो वहाँ उचित ऊर्जा की व्यवस्था हो, कहीं अंधेरा ना हो, कहीं प्रकाश की कोई कमी ना हो, कहीं हमारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े किसी प्रकार से किसी को परेशानी ना हो, ऐसी हमारी सोच है। पितृ के दिनों में घाटों पे भी भीड़ देखने को मिलती है सुबह सुबह, तो क्या घाटों की साफ सफाई को लेके भी आपने कुछ सोचा? हम घाटों की दोनों अपने यहाँ भुजरिया तालाब और वहाँ पर समुचित व्यवस्था कराएंगे कि जो लोग अपने पितृ वहाँ आते हैं और जो अपने पूर्वजों की शांति के लिए स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसी हम अच्छी व्यवस्था बनाकर काम करेंगे। एक अंतिम क्वेश्चन और है मेरा कि क्या एक गाड़ी है जो कुत्तों को पकड़ने के लिए है, इसके अलावा आवारा मवेशी में गाय बैल भी होते हैं, पर क्या आपके पास डॉग स्क्वाड टीम है जो कुत्तों को पकड़ सकती है? अब डॉग स्क्वाड टीम तो कोई ऐसी प्रोफेशनल नहीं है, मगर जो हमारे सफाई कर्मचारी या हमारे पूर्व में भी हमने सुना है ऐसा नगर परिषद में कि जिन लोगों ने कुत्तों को पकड़कर एक एकांत स्थान पर छोड़ा है, सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है, तो आज हम उनकी एक टीम बना रहे हैं और टीम बनाकर उसी टीम के माध्यम से हम डॉग स्क्वाड जो हमारी मशीन है, गाड़ी है, उसके माध्यम से हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजें। शिकायतें आई हैं कि शहर में आवारा पशु हैं, इनकी वजह से आवागमन में बहुत दिक्कत रहती है, खासतौर से जो आवारा कुत्ते हैं, जो रात में अगर कोई नागरिक अगर रेलवे स्टेशन या मार्केट में निकलता है या अपने घर आ रहा जा रहा होता है तो उनके पीछे वो परेशान करते हैं, तो उसके लिए मैंने आज ही नगर परिषद CMO से बात की है और उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि एक दो दिन के अंदर हम एक टीम बनाकर और हमारे पास अवेलेबल है उसके कुत्ते पकड़वाकर टीम बनाकर और इनको हम उचित स्थान पर भिजवा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर गौशाला के विषय की अगर आप बात करें तो अगर अभी कुछ समय पहले ही नगर परिषद का नया गठन हुआ है, इसमें मेरे लिए अभी गौशाला के विषय में कोई जानकारी है नहीं है, मैं CMO से बात करके चर्चा करके उनसे जानकारी लूँगा कि गौशाला में हम क्या कर सकते हैं और इन आवारा पशुओं के लिए भी हम गौशाला के संबंध में क्या कर सकते हैं। खबर भारत वर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।